होटल के अंदर ही ये गेट से पार्किंग था और ये अपना होटल है। बड़े बड़ी गाड़ियाँ इसी में एक साइड से आ रही है, एक साइड से जा रही है, परेशान हो चुके हैं। पेड़ों के ऊपर जो धूप पड़ रहा है ना, लग रहा है एकदम बर्फ गिरा हुआ है। और ये गांव है खूबसूरत सा, हमारी गाड़ी खड़ी है झारखंड में, और इधर आप ये जो खंभा देख रहे हैं इसके उधर है बिहार। अभी हम लोग पहाड़ चढ़ रहे हैं, पहाड़ के ऊपर सोचते सोचते हैं कि कुछ खा लेंगे, लेकिन फिर भी हम कहे थे सोनू को कि चल के वहाँ सीधे भोला का हम लोग। ये है एनाकोंडा और किला है, तो अभी सोच रहे हैं कि रात तो है लेकिन फिर भी तोड़ लेते। मुस्कुराइए, आप कर्क रेखा से गुजर रहे हैं। ये अपना सुंदर रांची है। सच में यार रांची का जो क्लाइमेट है ना भाई, गजब। भैया को दे दे रहे हैं। लेकिन मजा आ गया स्टोर में, आशा करते हैं आप लोगों को भी मजा आया हो। तो आप लोग अच्छा आवाज का है निकल। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। और आज हम लोग चैनल पे राजगीर में रात में यह होटल ले लिए थे, आपको होटल दिखला देंगे कैसा है। और यह होटल हमें थोड़ा सस्ता पड़ गया था, 600 रुपये। और चूंकि राजगीर में भी बहुत अधिक भीड़ है पर्यटकों की, तो होटल थोड़ा महंगा चल रहा है, वरना यह होटल थोड़ा और भी सस्ता मिल सकता था। तो आज हम लोग का प्लानिंग है, यहाँ से हम लोग निकलेंगे कोडरमा, कोडरमा जाकर वहाँ कुछ और जरूरी कार्य है वो निपटाकर वहाँ से फिर हम लोग आज हो सकता है रांची की ओर निकले। तो देखते हैं फिर कोडरमा से क्या प्लानिंग बनता है, अगर हो सकता है प्लानिंग बन जाए कहीं और की, हम लोग सोच रहे हैं वहाँ से पटना निकल जाने की। अगर पटना निकलेंगे तो फिर पटना का सैर आप लोग कराएंगे, और अगर कोडरमा से हम लोग रांची निकलते हैं तो फिर रांची की सैर कराएंगे। तो चलो चलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अपनी बाइक निकाल चुके हैं पार्किंग में। ये होटल है, होटल के अंदर ही ये गेट से पार्किंग था, और ये अपना होटल है जैन गुजराती और मारवाड़ी भोजनालय, भी इसी में होटल आनंद। तो चलते हैं अब अपने इस रास्ते की ओर और बढ़ेंगे हम लोग कोडरमा की ओर नवादा होते हुए। ये भी नवादा हम लोग पहुंचे, नवादा ब्रिज से जैसे ही दाहिने लिए हैं कोडरमा के लिए, बिल्कुल ऐसा रोड मिल गया है यार। लगातार पिछला 5 किलोमीटर से यही रोड है, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, बहुत दिक्कत है भाई। बड़ा धीरे धीरे एकदम 10-15 का स्पीड में जाना पड़ रहा है, और कहीं कहीं तो जाम भी लग जा रहा है। और बड़े बड़ी गाड़ियाँ इसी में एक साइड से आ रही है, एक साइड से जा रही है, परेशान हो चुके हैं, लेकिन धूल का मजा तो आ रहा है। सजना जी मैनू छड़ के नहीं जाना कदी, झूठे वादे सही दिल से निभाना कदी। आ चुके हैं बहुत दूर, लगभग यहाँ से 23 किलोमीटर और बचा हुआ है कोडरमा। और रास्ता इतना खराब ना यार, मतलब नवादा के बाद से जो रास्ता शुरू हुआ खराब, अभी तक बस खराब ही चल रहा है। लगभग 30-35 किलोमीटर खराब रास्ते में आए हैं, और ख़राब रास्ता भी ऐसा सा खराब, अंडर कंस्ट्रक्शन रोड है, इसलिए धूल गंदगी बहुत, मतलब धूल आके सीधा फेस पाउडर का जरूरत ही नहीं पड़ रहा चेहरे में। क्या पूरा एकदम गोरा हो गया है। और यहाँ भी रुके हैं कुछ देर के लिए, यहाँ अगल बगल जो सीन है ना, आप उधर पीछे अभी आपको दिखाते हैं, ये जो सीन आप देख रहे ना, मतलब पेड़ों के ऊपर जो धूप पड़ रहा है ना, लग रहा है एकदम बर्फ गिरा हुआ है। और ये गांव है खूबसूरत सा, रात सही ख्वाब तो दिखाना कदी, मैं हूँ तारा तेरा चांद बन जाना कदी, परदेसी तेनो जरा जिस्म का शौक नहीं, दिल दीवाने तेनो बेवफा का रोग नहीं, कुड़ियों दा मेला कुड़ी नाल तेरी मौज नहीं। तो स्वागत है आप सभी का फिर से, और अब हम है बिहार छोड़ के आ गए हैं झारखंड में। हाँ झारखंड में अभी हमारी गाड़ी खड़ी है झारखंड में, और इधर आप ये जो खंभा देख रहे हैं इसके उधर है बिहार। तो हम लोग बिहार पार कर गए हैं, अब यहाँ से कोडरमा लगभग 15 से 17 किलोमीटर है। खुश है सुनू कि हम लोग झारखंड में प्रवेश कर गए हैं, क्योंकि बिहार का रोड बहुत डेंजरस रोड भी है और अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो बहुत ख़राब रोड अभी चल रहा है। और झारखंड जैसे ही इनकी है ना रोड चकाचक, अब यहाँ से देखते हैं कैसा रोड मिलता है। तो हम लोग लगभग, हमको लगता है 15-17 मिनट हम लोग पहुँच जाएंगे, 20-25 मिनट में वहाँ चल के फिर थोड़ा नाश्ता उस्ता करेंगे, बहुत हैवी भूख लग रहा है, हैवी वाला भूख। खिरमोहन वाला चौपारण में गड़बड़ा जाएगा, ब्रिज जैसे ही बना ना, खिरमोहन कौन खाने के लिए ब्रिज उतर के आएगा। तो भाई अभी हम लोग पहुंच गए हैं भाइयों अभी कोडरमा, और कोडरमा में अभी हम लोग खड़े हैं, और कोडरमा का इस होटल में भोला भाई का होटल है। अब हम लोग जब राजगीर से चले थे ना,
तो सोचते सोचते हैं कि कुछ खा लेंगे, लेकिन फिर भी हम कहे थे सोनू को कि चल के वहाँ सीधे भोला का हम लोग मछली भात खाएंगे। और अभी अभी जस्ट एकदम गरम गरम चावल बना है, देख लीजिए आप। हाँ बस एक गोला गोला वाला पीस। ये है ना कुंडा, कैसा लग रहा भाई? तो अभी हम लोग कोडरमा से निकल के हजारीबाग रोड पहुंच चुके हैं और बहुत ही जबरदस्त आइस गिर रहा है भाई, एकदम मजा आ रहा है इसमें। और देख सकते हैं पूरा एकदम आइस का मजा ले रहे हैं। गुड इवनिंग दोस्तों सभी को। और अभी हम लोग अब कहाँ, हजारीबाग बताया ना, हजारीबाग से कुछ पीछे है, हजारीबाग पहुँचने वाले इचाक पार कर गए हैं। बहुत शानदार सीन है, लाइटिंग लगा हुआ है, सोचे आप लोग को भी दिखाए और खुद भी यहाँ रुक के लगभग 15-20 मिनट से मजे ले रहे हैं। और मेरे पीछे ये जो पपीता और केला है, तो अभी सोच रहे हैं कि रात तो है लेकिन फिर भी तोड़ लेते हैं। और समय हो चुका है कितना बज गया, समय हो चुका है 7। हम लोग कोडरमा से अपना कार्य वगैरह निपटा के थोड़ा कुछ खा पी के निकल गए थे लगभग 6 बजे। तो ठीक है चलो आगे मिलते हैं, थोड़ा चाय वाय पिया जाएगा, अंडा उंडा देखते हैं अगर मिलता है। बड़ा बहुत ठंडा पड़ रहा है यार, जैकेट सोनू को देखो मफलर ऊपर, बहुत ठंडा पड़ रहा है। ऐसे गाड़ी हम ही चला रहे हैं, लगभग 800 किलोमीटर गाड़ी अभी ड्राइविंग हम ही कर चुके हैं, आना जाना सब मिला के। मुस्कुराइए आप, कर्क रेखा से गुजर रहे हैं और ठीक रामगढ़ आने के बाद गजब का ठंडा। रामगढ़ जैसे पार्क के घाटी ना, गजब का ठंडा यार, यहाँ कर्क रेखा है और बहुत ठंड जगह भी है रांची, और अभी राजगीर में एकदम ठंडा नहीं था। तो अभी हम लोग अब रांची पहुँचने वाले हैं और मांझी में है लगभग, और आधा घंटा का खेला है, आधा घंटा में हम लोग फिर ब्लॉग को एंड करेंगे और आप लोगों को बताते हैं कि कितना हम लोग का क्या गया और राजगीर टूर में खर्च बैठा। सजना जी तेरे बिना दिया लागे ना, हम रब से मांगे तुझे और कुछ मांगे ना। फिर पेट्रोल की एक बटन टिमटिमाने लगी, तो हम लोगों ने अभी ले लिया है रिंग रोड में, और अब तो हम लोग इतना में आराम से घर को पहुंच जाएंगे। क्या बोलता है भाई, पहुंच जाएंगे ना, हम नहीं ले जरूरत है। ओके चलो चला जाए। ये अपना सुंदर रांची है सच में यार, रांची का जो क्लाइमेट है ना भाई, गजब का क्लाइमेट है, मज़ा आ जाता है यार। हर जगह से सुंदर क्लाइमेट है, मैं कश्मीर गया, दार्जिलिंग गया, हर जगह से सुंदर क्लाइमेट यहाँ का है। फाइनली आ गए दोस्तों, मज़ा आ गया यार इस टूर में। बहुत छोटा टूर रहा, 3 दिनों का टूर रहा, यहाँ से गया कोडरमा, गया फिर राजगीर, फिर कोडरमा, फिर रांची, लेकिन मज़ा आ गया इस टूर में। आशा करते हैं आप लोगों को भी मज़ा आया होगा सारे ब्लॉग्स को देखकर, और आया होगा तो प्यार जरूर बनाइएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। इस बैटरी ले लो, ले लो, ये देखो क्या क्या आया, देखो देखो सब भैया को दे दे रहे हैं। तो लो, तू ही ना बोला नहीं, लो ओके बाय बाय।